वाराणसी में शनिवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को 3 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए। अस्पताल से कोई भी मरीज स्वस्थ होकर घर नहीं लौटा है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 21,936 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,484 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 75 है। सिगरा थाना अंतर्गत सोनिया इलाके में स्थित गुजराती गली में सीवर और सड़क की समस्या से आक्रोशित स्थानीय लोग इलाके के भाजपा पार्षद पूर्णवासी गुप्ता के साथ धरने पर बैठ गए। गुजराती गली में ज्यादातर लोग गुजरात प्रांत के रहते हैं। उनका कहना है कि काफी समय से हमें सीवर और सड़क के मुद्दे पर बस आश्वासन दिया जा रहा है, जब तक यह समस्या दूर नहीं होती हम प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। क्षेत्रीय जनता के प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर चेतगंज सीओ और प्रभारी निरीक्षक सिगरा आशुतोष ओझा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। कुछ ही देर में नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और गुजराती गली का निरीक्षण भी किया। मंजू गुजराती, यहाँ 200 साल से गंदगी इतना फैला, पूरा सीवर जाम है। यहाँ आदमी कितने उसे कॉल रहा हो के मर गया बिचारा। कितना गुजराती, कितने गिरे, कितने पड़े, कितने अस्पताल में भर्ती हुए। काजीपुरा खुद गुजराती गली, सोनिया गुजराती गली मोहल्ला है। और आज तक कोई गुजराती नहीं जाग रहे थे, कोई हिंदुस्तानी नहीं जाग रहे थे। आज जब हिंदुस्तानी के मोहल्ले में गंदगी हुआ ना, गुजराती गली में बोला हुआ, तब सब हिंदुस्तानी जागे हुए। पूरे देश में जगह जगह पत्रकारों के दमन की बातें सामने आ रही हैं। बीते कुछ दिनों में पत्रकारों के दमन के मामलों में तेजी आई है। इसके विरोध में शनिवार को शास्त्री घाट पर काशी के विभिन्न पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों ने सामूहिक उपवास करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री से मांग किया कि पत्रकारों का उत्पीड़न देश भर में बंद किया जाए और उन पर किए गए मुकदमे भी वापस लिए जाएं। और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ दंडात्मक कार्रवाइयाँ की गई हैं, यह घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और यह सरकार से भी मांग करते हैं कि हम जिस तरीके से काम करते रहे हैं पत्रकारिता की, या पत्रकारों के जो अपने अधिकार हैं उसके तहत उन्हें काम करने दिया जाए, उस पर अंकुश लगाने की कतई कोशिश न की जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पर श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से निधि समर्पण का कार्य पूरे देश में चल रहा है। लोग अपनी इच्छा से श्री राम के नाम का दान कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 27 फरवरी तक चलना है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने शनिवार को शहर के बीचों बीच स्थित भारत माता मंदिर से एक भव्य और विशाल जन जागरण रैली निकाली, जिसमें युवाओं की टोली बाइक से चल रही थी। समाज के लोग उसमें अपने तरह से दान कर रहे राशि के रूप में, इसमें पूरी सामाजिक व्यवस्था पर ही मंदिर का निर्माण होगा जो भव्य होने जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि मेरे घर तो वो लोग आए नहीं, तो यह जो अभियान चल रहा है, आज यहाँ के नौजवान भी बाइक पर निकल करके और जो संकलन काम कर रहा है उसमें एक संबल प्रदान करने के लिए निकले हैं, और वहाँ से निकलने के बाद फिर जाएंगे अपने अपने गलियों में। वहाँ पर निकल करके जो लोग अपना दान करना चाहते हैं वह बाई चेक बाई रसीद वहाँ जमा दान कर सकते हैं। चंदौली जिले में हाई स्कूल और इंटर की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 101 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारी में प्रशासन जुटा है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने शनिवार को कलेक्टर सभागार में बैठक के दौरान अधिकारियों को संवेदनशील केंद्रों की जांच का निर्देश दिया है। साथ ही परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखने और कोविड को लेकर के सावधानी बरतने पर जोर दिया है। किसान आंदोलन के समर्थन में हाईवे पर होने वाले चक्का जाम को लेकर सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव को लठिया स्थित उनके आवास पर रात्रि के 12 बजे से नजरबंद कर दिया गया, तथा सुबह होने पर सुभाषपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव तथा समर्थकों को अखरी पुलिस चौकी पर दोपहर 3 बजे तक हिरासत में रखा गया। इससे सुभाषपा नेताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। प्रशासन में रह रहे वर्तमान सरकार हम लोगों के साथ जांच कर रही है,
रात 12 बजे से हम लोगों को नज़रबंद किया गया था और सुबह चौकी पर लाकर बैठाया गया है, जबकि हम लोग कार्यक्रम पहले ही समाप्त कर चुके हैं, कार्यक्रम हम लोगों का होना नहीं है। कस्टम विभाग की सक्रियता से एक बार फिर वाराणसी एयरपोर्ट पर एक युवक को अवैध सोने के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए युवक के पास से 374 ग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसके संबंध में वो कोई जानकारी नहीं दे पाया। फिलहाल कस्टम अधिकारियों ने सोना जब्त करते हुए उससे पूछताछ कर उसे छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार वाराणसी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट नंबर IX1184 से शारजहां से वाराणसी तक का सफर तय कर रहे युवक सूरज को कस्टम विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान शक के बिना पर रोक लिया। युवक के लगेज से बार बार अलर्ट बीप आ रही थी, इस पर उसका लगेज खोला गया तो इसमें से इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स थे, जिसमें से एक स्पीकर भी था जिससे चेक करने पर बीप आ रही थी। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत एक बार फिर वाराणसी में चरितार्थ हुई। जब लघु शंका कर रहे एक राहगीर गहरे सीवर में गिरा तो उसे बचाने के लिए एक फल विक्रेता वहां पर आ गया। फल विक्रेता कल्लू सोनकर ने सीवर से बचाने की आवाज सुनकर डायल 112 पर कॉल कर दिया। इसके बाद वाराणसी पुलिस ने भी अपना फर्ज निभाते हुए तत्काल क्रेन को बुलवाकर सीवर में गिरे हुए व्यक्ति को बाहर निकलवाया। फल विक्रेता वाराणसी पुलिस की PRV और फैंटम कर्मियों के इस सराहनीय कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है। नगर निगम स्टेडियम तिराहे पर स्थित हाई टेंशन तार के पोल पर चढ़कर कार्य कर रहे संविदा बिजली कर्मी रोहित बिंद उर्फ कल्लू की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। लाइनमैन की मौत की खबर से उसके परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंचे परिजन की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। मृतक शिवपुरवा का रहने वाला है। बताया गया कि लाइन पर काम करते वक्त अचानक करंट चालू होने पर वह हाई टेंशन लाइन की जद में आ गया। इसके बाद रोहित के शरीर से लपट निकलने लगी और कुछ ही देर में उसका शव तार के सहारे झूल गया। वाराणसी में चल रही विकास परक योजनाओं की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार 7 फरवरी को वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ धाम और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री हर बार की तरह सबसे आखिर में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में मत्था टेकने भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार 8 फरवरी की सुबह वाराणसी से गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का निरीक्षण भी कर सकते हैं।